बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मेहर मोहम्मद हमजा इस अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में, जैसा कि आपको मालूम है, जब भी हम कोई बड़ा टॉपिक कवर करते हैं तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको वो टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। ठीक, अभी जैसे कि रिसेंटली हमने लास्ट टू वीडियोज में लूप का टॉपिक डिस्कस किया था। लूप का टॉपिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत अहम है, या किसी भी प्रोग्रामर के लिए बहुत अहम है। लूप के बगैर कोई भी प्रोग्रामर नहीं करा सकता अगर उसको लूपिंग नहीं आती। ठीक है, तो लूप के कुछ टास्क में इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे लूप के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं ताकि लूप का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। पहला टास्क हम करेंगे, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। यानी कि हम यूजर से एक नंबर लेंगे, कोई भी मिसाल के तौर पर यूजर ने नंबर दिया 10, तो फिर हम 1 से लेकर 10 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम फाइंड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से। ठीक है, टास्क नंबर टू क्या होगा? टास्क नंबर टू में हम क्या करेंगे, यूजर से 10 नंबर लेंगे, कोई भी यूजर से दस दफा नंबर लेंगे, और जो यूजर 10 दफा नंबर देगा उसका हम सम करते रहेंगे और आखिर में यूजर को सम डिस्प्ले कर देंगे। ये हमारा टास्क नंबर टू होगा। टास्क नंबर थ्री क्या है कि यूजर कोई भी नंबर दे उसका टेबल निकाले। जैसे यूजर ने कहा 2, 2 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। यूजर नंबर देता है 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15, इस तरीके से। ठीक, अब अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला टास्क है, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक, तो सबसे पहला काम हमने क्या है कि यूजर से एन लेना पड़ेगा। ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ एन हो गई। अब यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू इन डॉट पार्स। क्यों करते हैं ये तफसील से हम पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो ये आप इसके लिए पिछली वीडियो देख लीजिए अगर आपको पार्स का या कन्वर्ट टू का मेथड नहीं समझ आता। ठीक, अब अच्छा वैल्यू ले ली यूजर से एन वैल्यू। ठीक, अब हमने करना क्या है, हमने उस एन वैल्यू तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, हम कर लेंगे कोई भी नंबर, मिसाल मैंने लिख लिया नंबर एनएम, लिख लिया एनएम 0 है, फर्स्ट वैल्यू तो 0 है मेरे पास। ठीक, लास्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू मेरे पास एन होगी। इसको फॉर लूप के जरिए चले करवा लेते हैं, वरना मैं मूड था व्हाइल लूप के जरिए करूँ तो, लेकिन चले छोड़े। इंट आई इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं, मैंने करा लिया। सही, अब कंडीशन लगाते हैं, अब आई को मुझे कब तक चलाना है, मुझे एन तक चलाना है। एन तक क्यों चलाना है, क्योंकि मुझे नंबर तो एन तक फाइंड करने हैं, मेरा टास्क ही यही है। ठीक है, आई प्लस प्लस कर लिया मैंने, अब मैं इसका सम निकालना है। ठीक, सम मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं सम के लिए ले लेता हूँ वेरिएबल इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक, इनिशियलाइज करा दिया, टर्म सेमी कॉलम लगा देता हूँ, टर्मिनेट करें स्टेटमेंट को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सम के अंदर क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी वैल्यू है आई की वो स्टोर करनी है। ठीक, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 स्टोर हो, आई की वैल्यू 2 है तो 2 स्टोर हो, इस तरीके से। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके पर लिख सकता हूँ, प्लस इक्वल टू आई, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप ये वाले यूज क्या करें, इससे वो अच्छी पड़ती है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है किसी भी प्रोग्रामर का, तो प्रोफेशनल देगा यही वाला है। तो मैंने दोनों बताए हैं ताकि जो बिगनर हैं उनको भी ये चीज़ समझ आ सके। ठीक, अब मतलब दोनों का सेम है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले सम की वैल्यू क्या है, 0, आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, सम की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट जब रन करेगा तो क्या है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सम की वैल्यू क्या आती है, 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। नेक्स्ट अब सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, सम की वैल्यू क्या आती है, 1, 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3।
ठीक सम में क्या स्टोर हो गया 3। नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो गई 2, सम की वैल्यू क्या थी 3, 3 प्लस 2 5। तो इसी तरह लूप चलती रहेगी जब तक कब तक एन नंबर तक। ठीक अब इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल डॉट रीड की लगा देता हूँ ताकि हम आपका आउटपुट जो भी है वो देख सके। रन करते हैं, ये देखें इंटर वैल्यू ऑफ एन, मैंने एन लिख दिया 10। ठीक सम हमने प्रिंट ही नहीं कराया था, सम को आखिर में प्रिंट भी करवाना था। कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ फर्स्ट जो भी एन है की वैल्यू है वो एन की वैल्यू डाल देते हैं कि फर्स्ट 20 फर्स्ट 30 जो भी यूजर दे। ठीक है नेचुरल नंबर इज, अच्छा इसको ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। ठीक है इसमें अगर मैंने जीरो लिखा है ना तो यहाँ पर जो जीरो नंबर पे या जीरो इंडेक्सिंग पे वैल्यू होगी वो वहां पे पुट हो जाएगी इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक इसी तरह वन लिखा है तो कोमे के बाद जो पहले दूसरे नंबर पे वैल्यू होगी वो वहां पुट हो जाएगी। ठीक तो मुझे जीरो पे क्या पुट करना है, मुझे जीरो पे पुट करना है एन। ठीक एन पुट करना है तो मैं एन लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ सम लिख लिया तो जीरो पे सम पे पुट हो जाएगा, तो मुझे इस चीज का सीक्वेंस का ख्याल रखना है। ठीक है सम आ गया ये, अब मैं प्रिंट इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने लिख लिया 10। ठीक है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 45। ठीक है समझ आ गए। अब अगर आपको यकीन नहीं है कि बाकी 45 है कि नहीं, मैं चले कैलकुलेटर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर भी मैंने आपके लिए ओपन कर लिया। ठीक कैलकुलेटर से मैं आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर करके दिखाता हूँ। ठीक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक 45। 10 इसमें काउंट नहीं होगा। 10 काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉलर देन 10 किया हुआ है। ठीक है इसको इक्वल टू 10 नहीं किया, अगर इक्वल भी लगाएंगे यहाँ पे तो फिर 10 को भी ये काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक ये समझ आ गया आपको, पहला टास्क हो गया हमारा सही। अब मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ताकि ये फाइल में फिर आपको इसका लिंक फाइल का लिंक दे दूंगा, आप ये आराम से अपने पास भी कोड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है टास्क नंबर 1। ठीक है टास्क नंबर 1 क्या है, वो टास्क नंबर 1 भी कॉपी करके चले मैं वहां लिख देता हूँ टास्क नंबर 1। ठीक ये हो गया टास्क नंबर 1। अब हम मूव करते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। टास्क नंबर 2 के राइटर प्रोग्राम इन सी शार्प टू रीड 10 नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड देयर सम एंड एवरेज। ठीक तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक नंबर ले लेते हैं, इसको भी चले फॉर लूप के जरिए ही कर लेते हैं फॉर लूप। ठीक है फॉर लूप के बाद इंट, चले एक फोर लूप से हो चुका है तो ये आसान यही है कि ये टास्क फोर लूप से किया जाए, लेकिन इसको मैं वाइल लूप से करके दिखाता हूँ ताकि आपको वाइल लूप भी थोड़ी सी कमांड हासिल हो। एंड एन इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक वाइल एन इज स्मॉलर देन 10। ठीक है मुझे 10 नंबर लेने हैं यूजर से। ठीक है कंट्रोल डॉट राइट लाइन इंटर नंबर, इंटर नंबर कर लिया मैंने। अब यूजर दो भी नंबर दे। ठीक चले मैं यहाँ पे इंटर नंबर एन कोमा एन आ गया। ठीक हो गया अब मैं जो भी यूजर नंबर देगा उसको मुझे किसी चीज को सॉल्व कराना होगा, तो मैं लिख लेता हूँ इंट वैल्यू इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है इंट वैल्यू कंसोल डॉट रीड लाइन, जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें सेव हो जाएगी। ठीक अब मुझे सम का भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट मैंने कर दिया सम इज इक्वल टू 0 क्योंकि मुझे सम भी करवाना है।
तो अब जो भी आएगी वैल्यू उसको मैं क्या करूंगा, सम प्लस इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा, सही, वो सम के अंदर सेव हो जाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेम यही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी है उसका मतलब और नीचे वाली स्टेटमेंट का मतलब सेम है, इसलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, अच्छा अब ये तो सम हो गया, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज भी निकालनी है, ठीक है। तो मैं एवरेज के लिए इंट एवरेज फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट एवरेज, ठीक है, फ्लोट एवरेज ले लिया। अब एवरेज कैसे होगा, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, हमारे पास कितना है, टोटल 10 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्लोट भी लिखेंगे, ऐसे फ्लोट ब्रैकेट में, इसका मकसद क्या है, फ्लोट लिखने का इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है कि एवरेज हमारे पास क्या है, फ्लोट है, सम क्या था, इंट था, और 10 भी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, और सम भी इंटीजर है। तो जब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास किस में आ रहा होगा, इंटीजर में आ रहा होगा, जबकि हमने सेव किस में कराना है, फ्लोट में कराना है। तो इसीलिए फिर हम इन दोनों को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, फ्लोट में कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया एवरेज। अब कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैं सम भी प्रिंट करवा देता हूँ, सम इज इक्वल टू प्लस करके मैंने लिख दिया सम, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन एवरेज इज इक्वल टू मैंने प्लस करके इस तरह लिख दिया एवरेज। मैंने आपको फॉर्मेटिंग के लिए प्लस वाला मेथड भी बता दिया, जीरो वन वाला मेथड भी बता दिया, ताकि आपको हर चीज का पता हो, ठीक, कोई चीज ऐसी ना हो जो मैं मिस कर दूं। तो अगर कोई आपको लगेगा ये चीज मिस हो चुकी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक्सेप्शन आ चुकी है, ठीक है, तो इस एक्सेप्शन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक, ओके, एक्सेप्शन में हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया था, ठीक है, जीरो लिखा था, हमने एन लिख दिया था अंदर गलती से, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो अब इसको रन करते हैं, इंशाल्लाह सही रन होगा। ये देखें इंटर नंबर जीरो, जीरो के बजाय इसको हम वन से लेके आते हैं ताकि यूजर को कोई इशू ना हो, वन कर दिया हमने, ठीक है। अब जब इसको वन किया तो इसको फिर हमें इक्वल टू टेन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट किया इंटर नंबर वन, नंबर वन मैंने लिखा टू, इंटर नंबर यहाँ पे एक चीज और हमें करवानी है, क्या इंक्रीमेंट हमने करवाया नहीं, वो तो बार बार n की वैल्यू वन ही रखता रहेगा, तो हमें तो n की वैल्यू चेंज भी करवानी है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे, इंटर नंबर वन, वन वैल्यू लिखा टू, नंबर टू, नंबर टू पर सिक्स, नंबर थ्री पे मैंने लिख दिया 67, 23, 89, 23, कोई भी नंबर अपनी मर्जी से रैंडमली डालें, 10 लिख दिया 90, सम इज इक्वल टू 426, एवरेज 42.6, ठीक है, इस तरीके से। समझ आ गई आपको, अगर समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कैसा आपको लगा, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि किस तरीके से हम लेक्चर को मजीद इम्प्रूव कर सकेंगे, आपको मजीद समझ आ सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक। ये हो गया दूसरा टास्क, अब हम इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि इसका कोड भी आपको मिल सके यहाँ पर। टास्क नंबर टू के नाम से इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक
अब हम मूव करते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। टास्क नंबर 3 क्या है, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू फाइंड टेबल ऑफ द नंबर। हमने क्या करना है, किसी भी कोई भी नंबर जो यूजर हमें दे उसका टेबल फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले तो यूजर की वैल्यू दे देते हैं, कंट्रोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर। ठीक है, इंटर नंबर करवा लिए यूजर से हमने, इंटर नंबर हो गया। ठीक है भाई, नंबर ले लिए यूजर से, उस नंबर को हमें किसी चीज में सेव भी करवाना है, किसी वेरिएबल में। तो वेरिएबल में हम नंबर सेव करवाने के लिए इंट डॉट पास कंट्रोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हमने नंबर इसमें सेव करा लिया, नंबर तो हमारे पास आ गया कि यूजर। अब हमने इसका टेबल निकालना है, टेबल कैसे करेंगे, टेबल हम फॉर लूप के जरिए कर लेते हैं, वाइल के जरिए भी कर सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे आप उस तरीके से करिए। ठीक, तुम के साथ हम चलें फॉर लूप से कर लेते हैं, int i is equal to 1। नंबर आपने कब तक प्रिंट करवाना है, नंबर मैं चाहता हूँ मेरा टेबल चले 2 से लेके 10 तक, यानी 2 10 द 20 करना है, 2 12 द 22 24 सॉरी इस तरह। तो मैं चले 12 तक करवा लेते हैं, तो i प्लस प्लस ठीक इंक्रीमेंट दे दिया हमने। अब हमने प्रिंट करवाना है टेबल को, कंट्रोल और राइट लाइन। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जो भी नंबर है 2, यानी 2 बन रहा है, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, 0 आ गया 0। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास i आएगा क्योंकि i की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक, इक्वल टू पे हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके, यानी कि 2 बन रहा 2 टू टू द फोर, यानी जीरो में क्या आएगा 2 आई में 1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया आएगा, तो हमारे तो 2। ठीक, तो मैं अब जीरो पे क्या आना चाहिए था, टेबल जो भी है। ठीक, टेबल n में हमने सेव किया हुआ, यहाँ पे हमने क्या आएगा i जो कि चेंज होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, n इंटू i इस तरीके से देखें, बिल्कुल चार लाइनों पे हमने पूरे टेबल का। अब मैं कंट्रोल और रीड की लगा देता हूँ ताकि आउटपुट आपको, आप आउटपुट देख सकें इसका जो भी आउटपुट आए। मैं नंबर लिखा 5, ये देखें 5 बन रहा 5, 5 2 रहा 10, 5 11 रहा 5 11 तक क्यों चला है, क्योंकि मैंने यहाँ स्मॉलर देन लिखा है। तो अगर इक्वल भी लगा दूंगा, अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो फिर ये 5 12 तक चलेगा। ठीक, चलो मैं इक्वल भी लगा देता हूँ ताकि 12 तक चले। ठीक, तो समझ आ गई होगी आपको इस चीज़ की बेहतर तरीके से। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सही है, तो हमें इजाज़त दीजिए, चलें 12 तक एक दफ़ा चला देते हैं। ये देखें 5 12 तक चल गया, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी प्रॉब्लम्स की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एरे के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।